हेलो बच्चों, तो हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो आपने क्या पढ़ा था अब तक? कल आपने पढ़ा था नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, और वो नोमेनक्लेचर मैंने आपको दो पद्धति में बताया था, एक तो सामान्य मेथड और एक आईयूपीएसी मेथड द्वारा। सामान्य मेथड में बता दिया था मैंने मोनो हेलो एल्केन का और डाई हेलो एल्केन का, और आईयूपीएसी मेथड में भी मैंने मोनो हेलो एल्केन और डाई हेलो एल्केन का नामकरण बता दिया। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, वो है कार्बन हेलोजन बॉन्ड की, कार्बन हेलोजन बॉन्ड की नेचर, या नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, या हिंदी में बोल दूं मैं कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति, कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति। आपको पता है हेलो एल्केन sp3 संकृत, हेलो एल्केन में जो कार्बन परमाणु होता है वो sp3 संकृत अवस्था में रहता है। किसमें रहता है? sp3 संकृत अवस्था में। अर्थात देखो किस टाइप से रहता है, ये कार्बन परमाणु, ये हेलोजन परमाणु, और ये क्या है, तीन इसकी बैलेंसी फ्री संयोजकता क्या रहती है, फ्री रहती है। और तीनों पर हम क्या मान सकते हैं, हाइड्रोजन मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? हाइड्रोजन। आपको पता है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 संकृत अवस्था में है। कैसे sp3 संकृत अवस्था में? कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? एक, दो, तीन और चार। और आपको पता है जब चार सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो उस कार्बन परमाणु का जो संकरण रहता है वो क्या रहता है? sp3। क्या रहता है? sp3। और sp3 संकृत अवस्था में इसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है? चतुष्फलकीय है। क्या होती है? चतुष्फलकीय है। तो यहाँ पर देखते हैं कार्बन हेलोजन बॉन्ड की हमको क्या देखनी है, नेचर देखनी है, प्रकृति देखनी है कि ये सहसंयोजक है, क्या है, सहसंयोजक, या ये ने आयनिक है, या बोल दूँ मैं ध्रुवीय है, या ध्रुवीय है, या दोनों है, या क्या है, दोनों, सहसंयोजक है, ध्रुवीय है, या दोनों है। तो देखो आपको पता है मैंने उस दिन बताया था कि कार्बन परमाणु और हेलोजन परमाणु के मध्य जो बॉन्ड बनता है ये कैसा बॉन्ड बनता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन हेलोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन, और जब समान साझेदारी के द्वारा इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है, समान साझेदारी के द्वारा बंध का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, तो बंध का जो निर्माण होगा वो किस टाइप का होगा, सहसंयोजक। कैसा होगा? सहसंयोजक। कैसा होता है? सहसंयोजक। लेकिन आपको पता है, क्या पता है, कि हेलोजन परमाणु की जो विद्युत ऋणता है, इसकी हेलोजन परमाणु की x बराबर क्या हो सकता है, Cl, Br और I, क्लोरीन भी हो सकता है, Br और I, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड ये हो सकते हैं। और आपको इनकी विद्युत ऋणता पता है, कार्बन की विद्युत ऋणता कितनी होती है, 2.5। कितनी होती है? 2.5। जबकि हेलोजनों की विद्युत ऋणता की बात करें, फ्लोरीन की 4.0, क्लोरीन की 3.5, क्लोरीन की 3.5, ब्रोमीन की 2.8, और आयोडीन की कितनी होती है, 2.5। कितनी होती है? 2.5। तो आपको पता है कार्बन की विद्युत ऋणता 2.5, और हेलोजनों की विद्युत ऋणता कार्बन की विद्युत ऋणता से क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या होती है? ज़्यादा होती है। और जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है वह बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है या आकर्षित कर लेता है। क्या कर लेता है? खींच लेता है या आकर्षित कर लेता है। तो यहां पर यदि हम बात करें कार्बन हेलोजन बॉन्ड की, किसके, कार्बन हेलोजन बॉन्ड की, तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड में आपको पता है हेलोजन परमाणु की अधिक विद्युत ऋणता के कारण, हेलोजन परमाणु की अधिक विद्युत ऋणता के कारण हेलोजन परमाणु पर क्या आता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज।
पार्शियली नेगेटिव चार्ज या आंशिक रूप से ऋणावेश आता है, जबकि इधर से इलेक्ट्रॉन जाते हैं कार्बन की तरफ से, तो कार्बन की तरफ से जाते हैं इसलिए क्या आता है, आंशिक धनावेश। क्या आता है, आंशिक धनावेश। आपको पता है जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है वो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है, क्या कर लेता है, खींच लेता है। और आपको पता है हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु से क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्या होती है, ज़्यादा होती है। और ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश होता है, जबकि कार्बन परमाणु पर क्या होता है, आंशिक धनावेश होता है, क्या होता है, आंशिक धनावेश होता है। और यह सहसंयोजक बंध, पहले कैसा बॉन्ड था, समान साझेदारी के द्वारा बना था, सहसंयोजक, कैसा था, सहसंयोजक, लेकिन यह सहसंयोजक बंध में क्या आ जाती है, ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है, क्या उत्पन्न हो जाती है, ध्रुवता या ध्रुवीयता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण यह सहसंयोजक बंध कैसा हो जाता है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध हो जाता है, कैसा हो जाता है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अर्थात कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, या इंग्लिश में बोल दूं इसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है हेलो एल्केन में वो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है, अर्थात कार्बन हेलोजन हेलोजन बंध के मध्य थोड़ी सी क्या हो जाती है, ध्रुवीयता उत्पन्न हो जाती है। अब हम बात करते हैं एल्किल फ्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड की ध्रुवीयता या पोलरिटी के बारे में, किसके बारे में, ध्रुवीयता या पोलरिटी के बारे में। तो क्या है, देखो ध्रुवीयता पोलरिटी, आपको पता है बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी या क्षमता क्या होती है, ध्रुवीयता या पोलरिटी। ये आर एफ, आर सी एल, आर बी आर और आर आई, ये आर क्या है, कोई एल्किल ग्रुप है जो कि सभी में क्या है, समान है। आर क्या है, एल्किल ग्रुप, जो एल्किल ग्रुप सभी में क्या है, समान है। तो इधर देखिए आपको पता है फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा है 4.0, क्या है, 4.0। तो ये क्या करता है, बंध के इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा खींचता है, क्या करता है, ज़्यादा खींचता है, इसके कारण इसकी जो ध्रुवीयता है सबसे ज़्यादा होती है। और आर एफ की ध्रुवीयता आर सी एल से ज़्यादा होती है, आर सी एल की आर बी आर से ज़्यादा होती है, और आर बी आर की आर आई से ज़्यादा होती है। अर्थात मैं ध्रुवीयता की बात करूँ, किसकी बात करूँ, ध्रुवीयता की, तो सबसे अधिक ध्रुवीयता किस में होती है, आर एफ में, उसके बाद आर सी एल में, और उसके बाद आर बी आर में, और सबसे कम किस में होती है, आर आई में, किस में होती है, आर आई में। ऐसे में आर की जगह सी एस थ्री या क्लोराइड ले लूँ, सी एस थ्री सी एल एक ले लूँ, सी एच टू सी एल टू मिथाइलिन क्लोराइड या मिथाइलिन डाई क्लोराइड, एक ले लूँ क्लोरोफॉर्म, और एक ले लूँ कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्या ले लूँ, कार्बन टेट्रा क्लोराइड या मैथिल क्लोराइड या मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइलिन डाई क्लोराइड या क्लोरोफॉर्म, सॉरी क्लोरो सी एच सी एल थ्री क्लोरोफॉर्म, और यहाँ पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यहाँ यदि ध्रुवीयता की बात करें तो आपको पता है ये तो अध्रुवीय होते हैं, सॉरी ध्रुवीय होते हैं, क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं, क्या पाई जाती है, ध्रुवीयता पाई जाती है, लेकिन ये अध्रुवीय रहता है, क्या रहता है, अध्रुवीय, और अध्रुवीय अर्थात म्यू का मान जो रहता है वो क्या रहता है, जीरो रहता है, क्या रहता है, जीरो रहता है। और ये कैसे पता करना है म्यू का मान यहाँ पर जीरो है, तो ये प्रैक्टिकली है, और कैसे निर्धारित करना है कि जितने भी मॉलिक्यूल हैं या जितने भी अणु हैं यदि उनकी नियमित संरचना है, किस टाइप की है, नियमित संरचना, तो वे सभी अणु कैसे होते हैं, अध्रुवीय होते हैं, क्या होते हैं, अध्रुवीय होते हैं, अर्थात उनमें ध्रुवता नहीं पाई जाती, अर्थात उनमें धनावेश और ऋणावेश नहीं पाया जाता। जैसे मैं सी सी एल फोर की यहाँ बात करूँ, ये सी एल, ये सी एल, ये सी एल और ये सी एल, कैसी स्ट्रक्चर है, नियमित संरचना है, कैसी है, नियमित संरचना, और नियमित संरचना में इसका जो संकरण है कैसा है, sp3, ऐसे सी एच फोर नियमित है, सी सी एल फोर नियमित है, और सी आई फोर भी सभी क्या है, नियमित हैं। यदि कार्बन परमाणु के चारों ओर समान चार परमाणु जो कार्बन परमाणु के चारों ओर चारों समान परमाणु जुड़े हुए हों तो इनकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, नियमित, और नियमित संरचना के कारण ये सभी क्या हो जाते हैं, अध्रुवीय हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अध्रुवीय हो जाते हैं, अर्थात इनमें पोलरिटी या ध्रुवीयता उत्पन्न नहीं होती है। ध्रुवीयता का मतलब होता है धनावेश या ऋणावेश उत्पन्न नहीं होता है, धनावेश या ऋणावेश उत्पन्न नहीं होता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा सी एस थ्री सी एल मेथिल क्लोराइड मिथाइलिन क्लोराइड और इसको क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म,
ये सभी तो क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। कैसे होते हैं? ध्रुवीय, क्योंकि इनमें धनावेश और ऋणावेश क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जबकि CCl4 में धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात कैसा रहता है, अध्रुवीय रहता है। कैसा रहता है? अध्रुवीय रहता है। तो देखो नेक्स्ट लेक्चर की नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ तत्वों की विद्युत ऋणताएं जो कि आपको काम आएंगी। ये आपको CX बंध के नेचर में पता चल गया होगा। अब बात करते हैं कुछ तत्वों की विद्युत ऋणताएं। कुछ तत्वों की विद्युत ऋणताएं जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो आपको पता है कार्बन हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणता होती है 2.1 होती है। कितनी होती है? 2.1 होती है। और कार्बन की यदि बात करें 2.5 होती है, नाइट्रोजन की 3.0 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है, फ्लोरीन की 4.0 होती है, क्लोरीन की 3.5 होती है और ब्रोमीन की 3.0 होती है, सॉरी 2.8 होती है। कितनी होती होती है? 2.8। और इसकी कितनी होती है? 2.5 होती है, 2.5 होती है। तो आपको इनको सभी को याद करना है, हाइड्रोजन की 2.1 और कार्बन की 2.5, फिर 0.5 0.5 बढ़ाते चलते हैं फ्लोरीन तक, क्लोरीन तक 0.5 क्या करते हैं, कम करते हैं क्लोरीन को, और यहाँ पर 2.8 और 2.5, 2.8 और 2.5। तो आप कुछ तत्वों की जो विद्युत ऋणता आपको याद करनी है, हाइड्रोजन की 2.1 होती है, कार्बन की 2.5 होती है, नाइट्रोजन की 3.0 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है, फ्लोरीन की 4.0 होती है, क्लोरीन की 3.5 होती है, ब्रोमीन 2.8 होती है और आयोडीन 2.5 होती है। तो आपको कैसे याद रखना है कि सबसे पहले तो इसको हाइड्रोजन को 2.8, फिर कार्बन से फ्लोरीन की तरफ चलते हैं तो 2.5 से 0.5 0.5 क्या हो रहा है, बढ़ रही है, और फिर क्लोरीन में क्या हो रही है, 0.5 कम हो रही है, और ब्रोमीन में क्या है, 2.8, आयोडीन में क्या है, 2.5। तो किसके बराबर है? कार्बन और आयोडीन की 2.5 दोनों में क्या है, लगभग समान है, क्या है, समान। अब बात करते हैं संकरण, किसकी बात करते हैं, संकरण की। हेलो एल्केन में जो संकरण रहता है या एल्किल हैलाइड में संकरण रहता है, उसकी प्रकृति क्या है? देखो भाई क्या है, संकरण हाइब्रिडाइजेशन, जो कि ये 11th क्लास का टॉपिक है BSc PR थ्योरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अनुसार। और संकरण आप सभी जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो आपको पता है मैंने शुरुआत कहाँ से की थी, 4 सिग्मा बॉन्ड ने तो sp3 संकरण रहेगा, 3 सिग्मा बॉन्ड हैं sp2 रहेगा, और 2 सिग्मा बॉन्ड हैं तो संकरण क्या रहेगा, sp रहेगा। और मैं यहाँ पर आपको बात करता हूँ मैथिल क्लोराइड, किसकी, मैथिल क्लोराइड, इसमें संकरण और अतिव्यापन किस टाइप से होता है। तो देखिए मैं इसको ओपन करके लिखता हूँ, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये सभी क्या है, हाइड्रोजन और ये Cl, हाइड्रोजन और ये Cl। तो देखो मैं इसकी अणु कक्षक आरेख बनाता हूँ, ये कार्बन है बीच वाला, और कार्बन के संयोजी कोष में सबसे पहले कार्बन के इलेक्ट्रोविन्यास बताइए, 1s2, 2s2 और 2p2, कितना होता है, 2p2। और इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, कितने होते हैं, 4। संयोजी कोष में मैंने चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन लगा लिया, इसके क्या लगा लिया, एक इलेक्ट्रॉन। और फिर हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो क्या रहता है, 1s1, क्या रहता है, 1s1। तो हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ इधर देखो, यहां पर क्या होता है कि एक s का जो इलेक्ट्रॉन है, संकरण होता है तो ये क्या हो जाता है, उत्तेजित अवस्था में हो जाता है, ये s में रहता है, और 3 क्या रहते हैं, p ऑर्बिटल रहते हैं, ये s है, ये px है, ये py है और pz है। अर्थात मैं यहाँ इसको प्रदर्शित करूँ, ये s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और p कक्षक में क्या है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या है, या 2s 2p, किस में, कार्बन में। लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो कार्बन को 2 ही बॉन्ड बनाने चाहिए थे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ही क्या है, अयुग्मित हैं। लेकिन क्या होता है जब संकरण होता है, तो आपको पता है संकरण के दौरान
जो कक्षक हैं उनके मध्य क्या होता है, अतिव्यापन होता है। अतिव्यापन के कारण और इनमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, पुनर्वितरण होता है। इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण और अतिव्यापन के कारण सभी कक्षकों की जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, समान हो जाती है, और इलेक्ट्रॉनों का वितरण भी क्या हो जाता है, समान हो जाता है। तो देखो कार्बन में ये, अब यहाँ पर ये एस है, टू एस है, ये क्या है, टू पी, और ये भी क्या है, टू पी, और ये भी क्या है, टू पी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोविन्यास क्या होता है, क्लोरीन का होता है 3s2 3p5, क्या होता है 3s2 3p5। इसका एक s कक्षक भरा हुआ है, यहाँ लिख दूँ मैं इसको, क्लोरीन 17 है, 3s2 3p5 3s2 3p5। और आपको पता है क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन तो इसमें कंप्लीट हैं, क्या है, कंप्लीट, और पांच इलेक्ट्रॉन इस p कक्षक में हैं, किसमें, p कक्षक में, तो एक इलेक्ट्रॉन देखो इसमें खाली है, अर्थात इसमें एक कक्षक में क्या एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन। तो इधर देखिए मैंने ये Cl लगा दिया, और इसके एक संयोजी कोष में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, तो दो चार छः, दो चार और दो छः, क्लोरीन, क्या ये क्लोरीन Cl। और इधर देखते हैं हाइड्रोजन, इस क्या है, संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन बने सवन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन संयोजी कोष में बने, और ये भी हाइड्रोजन संयोजी कोष में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। तो इनके मध्य क्या होता है, अतिव्यापन, दो इलेक्ट्रॉन के मध्य बॉन्ड बनता है, इनके मध्य भी अतिव्यापन और इसके मध्य भी अतिव्यापन। और आपको पता है कार्बन के संयोजी कोष में कितने होते हैं, चार, तो तीन के मध्य तो इसने बॉन्ड बना लिया, और चौथे के मध्य क्या होगा, इसके मध्य बॉन्ड बना लेगा। और यहाँ पर जो कक्षकों का अतिव्यापन हो रहा है, तो यहाँ पर तो देखो कार्बन के तो 2s और एक एक जो ऑर्बिटल बनता है, मैं इसको इस टाइप से प्रदर्शित कर दूं, ये जो ऑर्बिटल है हाइड्रोजन के, तो बनेस कक्षक यूज हुए रोए सभी के साथ, क्या हो रहे हैं, हाइड्रोजन का बनेस कक्षक, और कार्बन का एक तो 2s है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ हाइड्रोजन का बनेस और 2s के मध्य। और यहाँ यदि मैं बात करूँ तो इसमें भी हाइड्रोजन का बनेस किसके मध्य, एक 2p के मध्य, और यहाँ पर भी किसकी बात करूँ, यह हाइड्रोजन का बनेस कक्षक किसके मध्य है, 2p के मध्य। लेकिन CCl बॉन्ड की हम बात करते हैं, तो इसमें आपको पता है क्लोरीन क्या है, क्लोरीन का ये पी कक्षक है, और ये भी कौन सा है, 3p, कौन सा है, 3p, और ये कौन सा है, 2p, कौन सा है, 2p। तो 2p और पी, 2p और पी कक्षक के मध्य, pz कक्षक के मध्य क्या होता है, अतिव्यापन होता है, क्या होता है, अच्छी अतिव्यापन होता है। देखो ये कैसे, ये 2s है, ये 2px है, 2py है, सॉरी यहाँ 3 आएगा, ये 3px, 3py और 3pz, और यहाँ पर 3pz में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, जो कि इस 3pCl के साथ क्या कर रहा है, सहसंयोजक बंध का निर्माण कर रहा है। तो समझ में आ गया होगा आपकी, में दोबारा से समझ लो एक बार, इस MOT के चक्कर में ना पड़के सीधा समझो, कि MOT आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी। देखो यहाँ पर क्या होता है, ये कार्बन हाइड्रोजन के बनेस कक्षक के साथ, और यहाँ पर भी ये कार्बन हाइड्रोजन के बनेस कक्षक के साथ, और यहाँ पर भी ये कार्बन हाइड्रोजन के बनेस कक्षक के साथ क्या करते हैं, पासर भी है वो, सॉरी अच्छी है, अतिव्यापन करते हैं। लेकिन CCl बॉन्ड में क्या होता है, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, वो भी कौन सा, 2p का, और हेलोजन के पी कक्षक के साथ, हेलोजन के पी कक्षक के साथ अच्छी अतिव्यापन करता है, क्या करता है, अच्छी अतिव्यापन, और अच्छी अतिव्यापन के कारण इस सिग्मा बॉन्ड का क्या होता है, क्या होता है, निर्माण होता है, क्या होता है, निर्माण होता है। यहाँ पर कोई एक्स है, तो आपकी समझ में आ गया, संकीर्ण क्या होगा, एक ये सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड और चौथा सिग्मा बॉन्ड, और चार सिग्मा बॉन्ड होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कार्बन का संकीर्ण क्या होगा, sp3 संकृत अवस्था में रहता है, क्या रहता है, sp3 संकृत अवस्था में रहता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा अणुकक्षक आरेख CH3Cl का, CH3Cl का इस टाइप से भी बना सकते हैं इसको, इस टाइप से मैं दोबारा बना देता हूँ, और भी ये सी ये हाइड्रोजन का बनेस, ये हाइड्रोजन का बनेस,
या यहाँ पर सी एल लगा लो, सी एल क्लोरीन का पी, ये हाइड्रोजन का वन एस और ये भी हाइड्रोजन का वन एस इस टाइप से, और संकरण क्या होगा sp3, और इस किसका ये मैथिल क्लोराइड CH3Cl का, मैथिल क्लोराइड या CH3Cl का। तो देखो बच्चों, मैथिल क्लोराइड या CH3Cl की मैं बात करूँ, संकरण रहता है sp3, कार्बन मिड में रहता है, और कार्बन आपको पता है संयोजी कोष में चार इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अर्थात जो कार्बन परमाणु होता है वो चार बॉन्ड बना सकता है, वो बॉन्ड ये कार्बन है एक दो तीन और ऊपर वाला चार, तो इसमें तीन बॉन्ड तो हाइड्रोजन के बनेस कक्षक के साथ बन रहे हैं, हाइड्रोजन के बनेस कक्षक के साथ बनने, लेकिन चौथा जो बॉन्ड है CCl के मध्य, जिसमें कार्बन का तो 2p कक्षक काम में आता है और क्लोरीन का कौन सा आता है PZ कक्षक काम में आता है, और 2p और PZ कक्षक के अतिव्यापन के द्वारा CCl बॉन्ड का क्या होता है निर्माण होता है, क्या होता है निर्माण होता है। तो देखो बच्चों, अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अब तक आपने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ लिया, और कार्बन हेलोजन बॉन्ड की क्या पढ़ ली प्रकृति, क्या पढ़ ली प्रकृति। अब हम बात करते हैं हेलो एल्केनों के विरचन की या हेलो एल्केनों के निर्माण की विधियां, हेलो एल्केनों के निर्माण की विधियां। तो देखो, हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां या फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का निर्माण, और हेलो एल्केन का निर्माण किस किस से करना है आपको, किस किस से करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्केन से, किससे बात करें एल्केन से, और एल्केन से किसका निर्माण करना है हेलो एल्केन का निर्माण करना है, किसका निर्माण करना है हेलो एल्केन का निर्माण करना है। एल्केन की हम बात करें CH3 या सबसे पहले मैथेन, ये भी क्या एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, मैथेन क्या है एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज की रिएक्शन, मैथेन की अभिक्रिया किसी क्लोरीन अणु के साथ फोटोकेमिकल कंडीशन, फोटोकेमिकल कंडीशन का मतलब होता है प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में प्रकाश की उपस्थिति में की जाती है। तो देखो, मैं CH4 को इस टाइप से भी लिख सकता हूँ CH3H अर्थात CH4, और इसको कैसे लिखता हूँ Cl2 को CCl और Cl, तो यहाँ यहाँ से क्या होता है एक Cl का HCl का निष्कासन होता है, और किसका निर्माण होता है CH3Cl, किसका निर्माण होता है CH3Cl, और इसको बोला जाता है मैथिल क्लोराइड, क्या बोला जाता है मैथिल क्लोराइड। जब मैथेन की अभिक्रिया किसी क्लोरीन अणु के साथ प्रकाश की उपस्थिति में की जाती है, प्रकाश की उपस्थिति में की जाती है, तो मैथिल क्लोराइड का निर्माण होता है, मैथिल क्लोराइड का निर्माण होता है। और देखो, यहाँ से क्या निकला एच और सी एल, क्या निकला HCl। जब किसी मैथेन की अभिक्रिया, मैथेन क्या है CH4 को मैंने खोल के लिख दिया, ये CH3 और ये H की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ या मैथेन का क्लोरीनीकरण किया जाता है प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में प्रकाश की उपस्थिति में, तो HCl के निष्कासन के दौरान किसका निर्माण होता है मैथिल क्लोराइड का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है मैथिल क्लोराइड का निर्माण होता है। तो बच्चों, आपको पता है मैथिल क्लोराइड का निर्माण हो रहा है, लेकिन यह जो विधि है एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की उपयुक्त विधि नहीं है, एल्किल हैलाइड को प्राप्त करने की उपयुक्त विधि नहीं है, अर्थात यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड हमारे को प्राप्त हो रहा है ये एल्किल हैलाइड, ये मैथिल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड ही प्राप्त ना होकर के क्या होता है एल्किल हैलाइडों का क्या होता है मिश्रण प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है मिश्रण। और आपको पता है लेबोरेटरी में हम मिश्रण को आसानी से पृथक नहीं कर सकते, यहां यदि बात करें जब एल्केन से एल्किल हैलाइड प्राप्त करते हैं तो इसमें क्या होता है एल्किल हैलाइडों का मिश्रण प्राप्त होता है, क्या होता है मिश्रण प्राप्त होता है, अर्थात यह एल्किल हैलाइड शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की उपयुक्त विधि नहीं है। तो शुद्ध एल्किल हैलाइड
प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? तो यहाँ पर देखो, जब हम लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करते हैं, क्या करते हैं? प्रैक्टिकल करते हैं, तो आपको पता है एल्केल हैलाइडों का जब मिश्रण प्राप्त होता है तब हम उनको क्या है, आसानी से पृथक नहीं कर सकते, क्योंकि इतने इंस्ट्रूमेंट्स या पार्ट्स हमारे पास नहीं होते हैं कि हम इनको क्या कर लें, पृथक कर लें। लेकिन औद्योगिक उत्पादन की बात करें, जो औद्योगिक विधियाँ, वहाँ पर ये हमारे लिए उपयोगी रहता है। और हम क्या करते हैं कि आसवन विधि द्वारा विभिन्न जो एल्केल हैलाइड हैं उनको क्या कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पृथक कर लेते हैं। तो विभिन्न एल्केल हैलाइडों का मिश्रण कैसे प्राप्त होता है? देखो, ये मैथिल क्लोराइड है। क्या है? मैथिल क्लोराइड। मैं इस टाइप से लिख दूँ, CH2, ये मैथिल क्लोराइड है, CH3Cl, तो CH2H और Cl। मैं इस टाइप से, फिर इसका क्लोरीनीकरण किसकी उपस्थिति में? वही प्रकाश की उपस्थिति में। या इसको ये सेम, देखो ये CH2 और ये क्या H कितना हो गया, CH3 कितना हो गया, CH3 और ये क्या है, Cl। तो देखो ये CH3Cl नहीं है, ये क्या है, फिर इसका क्लोरीनीकरण होगा। क्या होगा? क्लोरीनीकरण। तो इसमें देखो आप, यहाँ से एक HCl का अणु क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। और क्या प्राप्त होगा? CH2Cl2 मिथाइलिन डाइक्लोराइड, मिथाइलिन डाइक्लोराइड। फिर इसका क्लोरीनीकरण होता है नेक्स्ट, और CH2CHCl2 या CH2Cl। फिर इसका क्या होता है, क्लोरीनीकरण किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। फिर किसका निष्कासन होता है? HCl अणु का। किसका? HCl अणु का। और किसका निर्माण होता है? क्लोरोफॉर्म। किसका निर्माण होता है? क्लोरोफॉर्म। देखो CH, एक दो Cl और एक Cl, तो CHCl3। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोफॉर्म। क्या? क्लोरोफॉर्म। और फिर ये क्लोरोफॉर्म भी आगे क्या करता है? रिएक्शन करता है। क्या करता है? रिएक्शन करता है। कैसे करता है? देखो ये CH, ये Cl3 और किसके साथ? क्लोरीन के साथ। और किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। फिर क्या होता है? HCl के अणु का निष्कासन होता है। क्या होता है? निष्कासन। और क्या बनता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बनता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसलिए मैंने बताया था कि शुद्ध एल्केल हैलाइड प्राप्त करने की विधि नहीं है, इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के एल्केल हैलाइडों का क्या प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ देखो, मैथिल क्लोराइड या मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, और क्या प्राप्त हुआ है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो शुद्ध एल्केल हैलाइड प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, अभिक्रिया मिश्रण में जो क्लोरीनेशन कराते हैं वो एक निश्चित अनुपात में कराते हैं। क्या कराते हैं? निश्चित अनुपात, अर्थात इसमें रिएक्टेंट या मैथेन की जो मात्रा है वो कम मात्रा में ली जाती है, या फिर इसका क्लोरीनेशन है वो कम मात्रा में किया जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे पहले बात की एल्केन से, और एल्केन से एल्केल हैलाइड का निर्माण किया था किसके द्वारा, जब एल्केन का क्लोरीनीकरण कराया था प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। तो विभिन्न एल्केल हैलाइडों का क्या प्राप्त होता है, मिश्रण। क्या प्राप्त होता है? मिश्रण। अर्थात यह शुद्ध एल्केल हैलाइड प्राप्त करने की उपयुक्त विधि नहीं है, शुद्ध एल्केल हैलाइड प्राप्त करने की उपयुक्त विधि नहीं है। और औद्योगिक उत्पादन के लिए सही है, क्योंकि औद्योगिक उत्पादन में इनको क्या है, भाप आसवन द्वारा या आसवन विधि द्वारा क्या कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पृथक कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड की बात करें हेलो एल्केन के निर्माण की विधियों में, एल्कीन द्वारा। सबसे पहले मैंने बात करी एल्केन द्वारा। किसके द्वारा? एल्केन द्वारा। अब मैं दूसरी बात करता हूं एल्कीन के द्वारा। किसके द्वारा? एल्कीन के द्वारा। एल्कीन के द्वारा कैसे हम एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं, कैसे हम एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं, ये देखो। जब किसी, ये कोई सममित एल्कीन है। सममित एल्कीन का मतलब क्या होता है? सममित एल्कीन का मतलब होता है सममित, अर्थात किसी वस्तु को हम बीच में से काटें, किसी वस्तु को बीच में से काटें, और बीच में से काटने पर वह वस्तु दो बराबर भागों में क्या हो जाए, बट जाए, अर्थात दोनों एक दूसरे के क्या हों, दर्पण प्रतिबिंब हों, उसे क्या कहते हैं कि इसमें सममिति है, अर्थात ये सममित वस्तु है। जैसे मैं बात करूं, मैं यहां से
मेरे को काटा जाए तो दोनों पार्ट, एक इधर हाथ है तो इधर भी क्या है, एक हाथ है, एक आँख है तो एक इधर भी क्या है, एक आँख है, इधर कान है तो इधर भी क्या है, एक कान है, और नाक के यहाँ होकर जाती है, और दोनों पैरें मतलब एक पैर इधर है तो एक पैर इधर है। अर्थात देखो मैं इसकी ये बात करूँ, इस डस्टर की बात करूँ, यदि मैं इसको बीच में से काटूँ, यदि मैं इसमें इसको बीच में से काटूँ और ये डस्टर दो बराबर भागों में बट जाए, दो बराबर भागों में बट जाए, तो मैं कह सकता हूँ कि यह डस्टर सममित है, अर्थात इसमें सममिति का तत्व उपस्थित है या सममिति का तत्व पाया जाता है। तो ये एल्किन कैसी है, सममित। कैसी एल्किन है, सममित। देखो कैसी कैसे सममित, मैं इसको यहाँ से काटूँ, इधर का पार्ट और इधर का पार्ट समान है कि नहीं है, इधर का पार्ट और इधर का पार्ट समान है कि नहीं है, देखो समान है। जब किसी सममित एल्किन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड या HX के साथ की जाती है, जब किसी सममित एल्किन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ की जाती है, किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ की जाती है, तो तुमको पता है यह हाइड्रोजन हैलाइड है, यह आयनिक अवस्था में रहता है, टूटता है H+ X- के रूप में, किसके रूप में, H+ X- के रूप में, तो इसको क्या कहते हैं, धनविद्युती भाग या हाइड्रोजन परमाणु, और इसको क्या कहते हैं, हैलोजन परमाणु या ऋण विद्युती भाग, हैलोजन परमाणु या ऋण विद्युती भाग। तो मैं बोल सकता हूं जब किसी समय में एल्किन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ की जाती है, तो हाइड्रोजन हैलाइड में से धनात्मक भाग कार्बन परमाणु, एल्किन के कार्बन परमाणु, कार्बन किसी भी कार्बन परमाणु पर जाकर क्या हो सकता है, जुड़ सकता है, जबकि हैलोजन जो परमाणु है, ऋण विद्युती भाग है, वो एल्किन के किसी भी कार्बन परमाणु पर जाकर के जुड़ सकता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे देखो यह CH2, यह CH2, यह H और यह Cl, या तो ये प्रोडक्ट बन सकता है, या CH2, Cl और H, ये दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं, दोनों प्रोडक्ट क्या हैं, सेम हैं। जब किसी समय में एल्किन की अभिक्रिया किसी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ की जाती है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ की जाती है, तो एल्किन के किसी भी कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़े, किसी भी कार्बन पर हैलोजन जुड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात मैं बात करूं, देखो ये दोनों सेम ग्रुप हैं, हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकते हैं, यदि ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकते हैं तो आपको पता है जिधर ये एरो जाता है उधर क्या है, इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जिधर जाते हैं उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, और जिधर से जाते हैं उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है जब यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, तो नेगेटिव पर क्या जाकर जुड़ेगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव पर क्या जाकर जुड़ेगा, नेगेटिव। तो यहाँ देखिए कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट। यदि इस टाइप से ना हो करके कैसे हो कि बंद के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएँ, इस कार्बन पर चले जाएँ, किस पर चले जाएँ, इस कार्बन पर चले जाएँ, जब इस कार्बन पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो CH2 यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और HX में से नेगेटिव चार्ज पर धनात्मक प्रजाति जाकर जुड़ेगी, अर्थात H यहाँ जाकर जुड़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज पर क्या जाकर जुड़ेगा, ऋणात्मक प्रजाति अर्थात X यहाँ जाकर जुड़ेगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा, क्या बनेगा, प्रोडक्ट ये बनेगा। और यहाँ यदि बात करें तो इस नेगेटिव पर यहाँ पर ये प्रोडक्ट ये बनता है, क्या बनता है, कि पॉजिटिव पर ये नेगेटिव और नेगेटिव पर पॉजिटिव। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि कोई भी प्रोडक्ट बन सकता है। जब किसी सममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग किया जाता है, तो सममित एल्कीन के किसी भी कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़े और किसी भी कार्बन पर हैलोजन जुड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब जो चलेगा असममित एल्कीन, और ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आता है, कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो ये तो क्या हो गया, सममित एल्किन पर HX का योग। अब मैं यहाँ पर एक सब हेडिंग डालता हूँ, असममित एल्किन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग, किस पर, असममित एल्किन पर हाइड्रोजन हैलाइड या HBr का योग या HX का योग। देखो HX का योग
असम्य तैलकिन पर। सबसे पहले आपको यह आना चाहिए असम्य तैलकिन कहते किसे। तो देखो वह एल्किन जिसमें सममिति का तत्व नहीं पाया जाता है असम्य तैलकिन कहलाती है। वह एल्किन जिसमें सममिति का तत्व नहीं पाया जाता है असम्य तैलकिन कहलाती है। सममिति का तत्व क्या है? मैंने अभी बताया यदि किसी वस्तु को बीच में से काटें दो बराबर भागों में बट जाए तो उसको सममिति एल्किन के बोलेंगे, और यदि एल्किन को बीच में से काटें दो बराबर भागों में नहीं बटे तो उसको असम्यत एल्किन बोलेंगे। तो देखो मैं इस एल्किन को यहां से काटता हूं, क्या ये बीच में से कट रही है? मैं काट तो सकता हूं, क्या दोनों पार्ट समान हैं? इधर तो डबल बॉन्ड है, इधर क्या है? सिंगल बॉन्ड। इधर क्या है? डबल बॉन्ड। इधर क्या है? सिंगल बॉन्ड। क्या दोनों समान हैं भाग? नहीं है। क्या है? नहीं है। अब यहां पर मैं किसका योग कराऊं? एच एक्स का योग। किसका योग? एच एक्स का योग। देखो और आपको पता है मैंने अभी बताई है एच एक्स आयनित रूप में पाया जाता है एच प्लस और एच माइनस के रूप में। आपको पता है ये असम्मित एल्कीन है और एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है इस एल्कीन पर। क्या जुड़ा हुआ है? एल्किल ग्रुप। और एल्किल ग्रुप का धनात्मक प्रेरण प्रभाव लगता है। क्या लगता है? धनात्मक प्रेरण प्रभाव, या बोल दूं प्लस आई प्रभाव या प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। और आपको पता है जिसका प्लस लगता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है? प्लस करता है। क्या करता है? प्लस करता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या करता है? एल्किल ग्रुप के द्वारा दिया जाता है। ये इधर से इलेक्ट्रॉन घनत्व दे रहा है इधर टाइप से, और इधर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या जा रही है? ट्रांसफर हो रही है। इधर क्या, इस पर क्या आएगा? जिधर एरो जाता है उधर उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जिधर से जाता है उस पर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। तो देखो जिधर नेगेटिव चार्ज पर क्या जाकर जुड़ता है? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज पर क्या जाकर जुड़ता है? नेगेटिव चार्ज। क्या जाकर जुड़ता है? नेगेटिव चार्ज। और किसका निर्माण होता है? देखो CH3 CH CH2। यहां पर तो क्या जुड़ गया? हेलोजन। और यहां पर H। तो इसकी प्रॉपर में डेफिनेशन की बात करूं, प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं, या असम्मित एल्कीन पर HX का जो योग है वो किसके अनुसार होता है? मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार होता है। मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार होता है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि असम्मित एल्कीन पर एच एक्स का या हाइड्रोजन हैलाइड का जो योग है वो किस नियम के अनुसार होता है, मैं बोल दूं कि मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार होता है। मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार होता है। अभी मार्कोनिकोफ नियम है क्या है? कि जब किसी असम्मित एल्कीन पर एच एक्स का योग किया जाता है, जब किसी असम्मित एल्कीन पर एच एक्स का योग किया जाता है तो धन विद्युती भाग, धन विद्युती भाग या हाइड्रोजन परमाणु, धन विद्युती भाग कौन सा है? यहां हाइड्रोजन परमाणु वहां जाकर जुड़ता है, वहां जाकर जुड़ता है जिस, वहां जाकर जुड़ता है जहां एल्कीन के कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है? ज्यादा है। तो यहां देखिए एल्कीन के दोनों कार्बन परमाणु हैं, यहां दो हाइड्रोजन है, यहां क्या? एक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन वहां जाकर जुड़ता है या हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है? ज्यादा है। जबकि ऋण विद्युती भाग या हेलोजन परमाणु वहां जाकर जुड़ता है जहां पर कार्बन, वहां जाकर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है? कम है। यहां देखो दो है, कितनी है? दो। यहां पर कितनी है? एक। कितनी है? एक। तो हाइड्रोजन परमाणु वहां जाकर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है? ज्यादा है। यहां दो ज्यादा है, यहां क्या है? एक कम है। और हेलोजन परमाणु वहां जाकर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है? कम है। और इसे ही मार्कोनिकोफ नियम के नाम से जाना जाता है, मार्कोनिकोफ नियम के नाम से जाना जाता है। तो दोबारा से सुने एक बार कि जब किसी असम्मित एल्कीन पर एच एक्स का योग किया जाता है, एच एक्स का योग किया जाता है तो धन विद्युती भाग, धन विद्युती भाग या हाइड्रोजन परमाणु वहां जाकर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो? ज्यादा हो। क्या हो? ज्यादा हो। और हेलोजन परमाणु या एक्स माइनस या ऋण विद्युती भाग वहां जाकर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो? कम हो। इसे ही हम मार्कोनिकोफ नियम के नाम से जाना जाता है, मार्कोनिकोफ नियम के नाम से जानते हैं। तो बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा, इसको ध्यान रखना है और इस पर स्टार लगाने 5-4।
क्या लगाने, स्टार। और एक पेपर में खूब पूछा जाता है, ट्वेल्थ में तो पूछा जाता है, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी खूब आता है कि जब किसी असममित एल्कीन पर एचएक्स का योग किया जाता है, एचएक्स का योग किया जाता है तो किस नियम के अनुसार किया जाता है, मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार किया जाता है। तो मार्कोनिकोफ नियम को समझाइए, क्वेश्चन कैसे आता है, मार्कोनिकोफ नियम को उदाहरण से समझाइए। अब मार्कोनिकोफ नियम यदि आपको पता है कि जब किसी असममित एल्कीन पर एचएक्स का योग, जब किसी असममित एल्कीन पर एचएक्स का योग किया जाता है तो धन विद्युत विभाग या हाइड्रोजन परमाणु वहां जाकर जुड़ता है, हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या हो, ज्यादा हो, और ऋण विद्युत विभाग या हेलोजन परमाणु या एक्स माइनस वहां जाकर जुड़ता है, हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या हो, कम हो, इसे मार्कोनिकोफ नियम के नाम से जाना जाता है, मार्कोनिकोफ नियम के नाम से जाना जाता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा बच्चों। देखो मैं एक दो एग्जाम्पल कराता हूं, क्या कराता हूं, एग्जाम्पल। देखो ये असममित एल्किन और एचएक्स की जगह मैंने क्या ले लिया, एससीएल, क्या ले लिया, एससीएल, और आपको क्या बताना है, प्रोडक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एससीएल आयनित अवस्था में होगा, एच प्लस प्लस सी एल माइनस, एच प्लस प्लस सी एल माइनस के रूप में। तुमको बता हाइड्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणता क्या है, सीएल से कम है, तो बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ लेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर सीएल पर क्या आया, नेगेटिव चार्ज, और जिधर से गए बंद के इलेक्ट्रॉन उस पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो नेक्स्ट बात करते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आपको पता है कि जितने भी एल्किल ग्रुप रहते हैं उनका धनात्मक प्रेरण प्रभाव लगता है, अर्थात धनात्मक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जोड़ना, इलेक्ट्रॉन घनत्व को जोड़ना। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या करता है, इस एल्किन में जोड़ते हैं या देते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन घनत्व किधर की तरफ जाते हैं, उधर की तरफ जाते हैं, उधर की तरफ जाते हैं, तो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जाएंगे, इस एल्किन के कार्बन परमाणु की तरफ क्या होते हैं, जाते हैं। और आपको पता है जिधर ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, और जिधर से जाते हैं उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो किस टाइप से, CH3 ये CH ये पॉजिटिव और CH2 नेगेटिव, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर यदि हम बात करें, मैं यहीं पे समझा सकता था आपको कि H प्लस का योग, तो H प्लस कहाँ जाएगा, इस नेगेटिव चार्ज पर, किस पर, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये CH3 या CH2 H, क्या हो जाएगा, CH2 H, या सीधा एक साथ लिख दूँ CH3, क्या हो गया, CH3। ये दो हाइड्रोजन और एक जोड़ करके क्या हो गए, तीन, कितने, CH3। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, CH3 ये CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज पर नेक्स्ट स्टेप में क्या, किसका अटैक, Cl- का, किसका, Cl- का। Cl कहाँ जाएगा, जहाँ पर धनावेश है, कहाँ पर, धनावेश। तो CH3 Cl CH2 H या CH3। तो देखो इसे ही कहते हैं मार्कोनिकोफ नियम। तो हाइड्रोजन परमाणु कहाँ गया है, जिस एल्किन के कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है, दो, यहाँ पर क्या है, एक। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या ज़्यादा है, और हेलोजन कहाँ जाता है, या हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या हो, कम हो, क्या हो, कम हो। तो ठीक है बच्चों, आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं कि देखो CH3 CH2 ये, इस पर HBr का योग करना है, किसका करना है, HBr। तो आपको पता है ये क्या है, एल्किल ग्रुप, क्या है, एल्किल ग्रुप, और एल्किल ग्रुप का कौन सा प्रभाव लगता है, या एल्किल समूह, धनात्मक प्रेरण प्रभाव। तो ये क्या करता है, बंद के इलेक्ट्रॉनों को देता है, अर्थात बंद के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये क्या है, धनावेश, ये क्या है, ऋणावेश, अर्थात H प्लस के रूप में पाया जाता है, Br माइनस के रूप में पाया जाता है। तो H प्लस कहाँ जाएगा, इस ऋणावेश पर, क्योंकि बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव पर पॉजिटिव का अटैक, और इस पर, यहाँ पर तुमको पता है बंद के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव पर इस नेगेटिव का अटैक। तो क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा, CH3 CH2 CH CH2 H और यहाँ पर Cl। तो आपकी ये समझ में आ गया होगा। ऐसे HI का भी इस प्रकार से होता है। ये तो होता है मार्कोनिकोफ नियम, क्या होता है, मार्कोनिकोफ नियम कंप्लीट। अब बात करते हैं अभी मैंने आपको लिखा था CH3
सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू और एच बी आर का योग किया था, प्रोडक्ट क्या बना था, सी एच थ्री सी एच बी आर सी एच टू और एच, अर्थात धन विद्युती भाग वहां जाकर जहां हाइड्रोजन परमाणु संख्या ज्यादा और ऋण विद्युती भाग वहां जाकर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या हो, कम हो। लेकिन मैं इसी अभिक्रिया को या असममित एल्किन की एच बी आर के साथ अभिक्रिया मैं किसी परोक्साइड के साथ कराऊं, किसके साथ, परोक्साइड, हो सकता है हाइड्रोजन परोक्साइड हो सकता है बेंजिल परोक्साइड हो सकता है एल्किल परोक्साइड हो, अर्थात उसमें परोक्साइड बॉन्ड पाया जाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में के मध्य परोक्साइड बॉन्ड पाया जाता है, इस टाइप से होता है, अर्थात ऑक्सीजन ऑक्सीजन इस टाइप से पाया जाएगा और इसमें भी क्या होंगे, ये दो कोई भी ग्रुप हो सकते हैं। यदि किसके साथ कराएं, परोक्साइड के साथ कराएं, तो यहां पर एच बी आर का जो योग है, किसका योग है, एच बी आर का योग, वो मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत होता है, किसके होता है, मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत होता है। जब किसी असममित एल्कीन पर एच बी आर का योग परोक्साइड की उपस्थिति में किया जाता है, किसकी उपस्थिति में, परोक्साइड की उपस्थिति में किया जाता है, तो एच बी आर का जो योग है वो मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत होता है, अर्थात धन विद्युती भाग या हाइड्रोजन परमाणु वहां जाकर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, कम हो, क्या हो, कम हो। तो यहां देखिए, यहां दो है हाइड्रोजन परमाणु, एक है, तो हाइड्रोजन परमाणु कहां जाएगा, जहां कम है, और हेलोजन परमाणु वहां जाकर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। इसे हम एंटी मार्कोनिकोफ, क्या कहा जाता है, एंटी मार्कोनिकोफ नियम के नाम से जाना जाता है। देखो, यहां मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहां पर हमने HBr का योग कराया इस असममित एल्कीन पर, तो मार्कोनिकोफ नियम में मैंने क्या बताया कि हाइड्रोजन परमाणु या धन विद्युती भाग वहां जाकर जुड़ रहा है जहां हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या हो, ज्यादा हो, और ये ऋण विद्युती भाग कहां जाकर जुड़ रहा है, हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या हो, कम हो। लेकिन एंटी मार्कोनिकोफ नियम में क्या होता है, अर्थात परोक्साइड की उपस्थिति में जो HBr का जो योग होता है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु वहां एल्किन के उस कार्बन परमाणु पर जाकर जुड़ रहा है जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है, कम है। यहां देखो, ये क्या है, यहां क्या है, दो, तो हाइड्रोजन परमाणु कहां जा रहा है, इस कार्बन परमाणु पर, यहां पर एक हाइड्रोजन परमाणु है जबकि यहां दो है, किसमें कम है, इसमें, तो हाइड्रोजन परमाणु यहां पर जबकि हेलोजन परमाणु यहां पर जा रहा है, अर्थात यहां जो योग है इसके क्या हो रहा है, विपरीत हो रहा है, क्या हो रहा है, विपरीत। और इसी नियम को हम एंटी मार्कोनिकोफ नियम के नाम से जाना जाता है, एंटी मार्कोनिकोफ नियम के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है बच्चों, जब किसी असममित एल्किन, किस टाइप की, असममित एल्किन पर HBr का योग परोक्साइड की अनुपस्थिति में कराते हैं, तब तो मार्कोनिकोफ नियम होता है, क्या होता है, मार्कोनिकोफ नियम होता है। लेकिन जब हम असममित एल्किन पर HBr का योग किसकी उपस्थिति में कराते हैं, परोक्साइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, परोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं, तो HBr का योग मार्कोनिकोफ नियम के क्या होता है, विपरीत होता है, क्या होता है, विपरीत होता है। इसे ही हम एंटी मार्कोनिकोफ नियम या विपरीत मार्कोनिकोफ नियम के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यह अभिक्रिया परोक्साइड की उपस्थिति में होती है या परोक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होती है, चूंकि यह अभिक्रिया परोक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होती है, इसलिए इस अभिक्रिया, इस प्रभाव को परोक्साइड प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, परोक्साइड प्रभाव, परोक्साइड प्रभाव के नाम से जाना जाता है। या इस अभिक्रिया के बारे में सर्वप्रथम खरास नामक वैज्ञानिक ने बताया था, किसने बताया था, खरास नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इस प्रभाव को खरास प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, खरास प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। या तो बोल दें एंटी मार्कोनिकोफ, या बोल दें परोक्साइड प्रभाव, या बोल दें खरास प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो बच्चों, ध्यान रखना है, ये एंटी मार्कोनिकोफ जो रूल है, एंटी मार्कोनिकोफ जो नियम है, केवल HBr पर लागू होता है, HCl और HI पर लागू नहीं होता है। अर्थात HCl और HI की अभिक्रिया परोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं, परोक्साइड की उपस्थिति में
कराते हैं। तो यहां पर HCl और HI का जो योग है वो मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार ही होता है। क्यों होता है कि HCl में आपको पता है कि बंध सामर्थ्य इसकी क्या है, ज्यादा है। क्या है? बंध सामर्थ्य ज्यादा है, अर्थात ये बंध आसानी से नहीं टूट पाता है, आसानी से नहीं टूट पाता है। जबकि हम बात करें किसकी, HI की, इसकी बंध सामर्थ्य तो दुर्बल है, लेकिन यह अभिक्रिया उच्च ऊष्मा छिपी अभिक्रिया होती है। उस उच्च ऊष्मा छिपी अभिक्रिया होती है, अर्थात मैं बोल दूं अभिक्रिया के दौरान अधिक मात्रा में ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है। अधिक मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है, अर्थात लैब में विस्फोट हो सकता है। क्या हो सकता है? विस्फोट। क्या लैब में विस्फोट कराना चाहोगे? नहीं। तो लैब में हमको विस्फोट नहीं कराना है। विस्फोट कराएंगे तो ना तो हम बचेंगे, ना ही लैब में और कुछ बचेगा। तो ध्यान रखना है, ये जो एंटी मार्कोनिकोफ नियम है, परोक्साइड प्रभाव है, खरास प्रभाव है, केवल क्या देता है, HBr देता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड देता है। किसकी उपस्थिति में? परोक्साइड की उपस्थिति में। लेकिन HCl और HI नहीं देते हैं, HCl और HI नहीं देते हैं। तो देखो मैं क्वेश्चन देता हूँ आपके लिए, आपको सॉल्व करके बताना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। एक चार्ट बनाता हूँ, इसमें मार्कोनिकोफ एंटी मार्कोनिकोफ दोनों क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। देखो ये क्या है, असममित एल्किन, ये क्या है, असममित एल्किन। अब देखो सबसे पहले मैं इसकी अभिक्रिया HBr के साथ कराता हूं, तो आपको लिखना है ये मार्कोनिकोफ रूल के अनुसार होगा या एंटी मार्कोनिकोफ नियम के। क्या करना है आपको कि इन अभिक्रियाओं को आपको व्हाट्सअप करना है लिख करके। क्या करना है? व्हाट्सअप किस पे? मेरे नंबर पर, जिससे मेरे को पता चले आपको कितना समझ में आ रहा है। HBr की उपस्थिति में कराएं। दूसरी कंडीशन, HBr की उपस्थिति में ही कराएं, लेकिन इसके साथ क्या हो, परोक्साइड हो। क्या हो? परोक्साइड हो। क्या हो? परोक्साइड। आपको बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें HCl के साथ कराएं, किसकी उपस्थिति में, परोक्साइड की उपस्थिति में, और प्रोडक्ट आपको बताना है थर्ड रिएक्शन। नेक्स्ट यदि हम बात करें ओनली HCl की अभिक्रिया कराएं, नेक्स्ट यदि हम बात करें HI की अभिक्रिया कराएं, किसकी, HI की, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। और नेक्स्ट यदि हम बात करें HI की कराएं, किसकी उपस्थिति में, परोक्साइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, परोक्साइड की उपस्थिति में। तो आपको बताना है इस छह रिएक्शन हैं जो कि मैंने अभी समझा चुका हूं कि क्या क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा। और ये क्या होता है, जब नीट वगैरह की या नीट की या हम IIT वगैरह की कोचिंग करते हैं तो क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। दे दिया असममित एल्किन, दे दिया कोई HCl या परोक्साइड या HBr परोक्साइड या HBr या HCl HI कुछ भी है, HI परोक्साइड। तो आपको अभिक्रिया क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। क्या करना है, ऊपर लिखे रहेगा निम्नलिखित अभिक्रिया को कंप्लीट कीजिए, पूर्ण कीजिए, और इस टाइप से दे दी जाती है। तो देखो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, तो सबसे पहले तो कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति को पढ़ा, उसमें कुछ एलिमेंटों की आपने विद्युत ऋणता पढ़ी, ध्रुवीयता पढ़ी, उसमें CCl4 अध्रुवीय होता है अर्थात उसमें ध्रुवीयता नहीं पाई जाती है, नॉन पोलर होता है, जबकि CH3Cl, CH2CH2 और CH2Cl2 और CHCl3 क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। फिर हमने संकीर्ण पढ़ा, कार्बन हेलोजन बंध में कार्बन का संकीर्ण sp3 होता है, उसमें 2p और p जड़ कक्षक के मध्य क्या होता है, अतिव्यापन होता है, और अतिव्यापन के कारण CX बॉन्ड का निर्माण होता है। फिर हमने पढ़ा हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां। हेलो एल्केन का निर्माण हमने किससे किया था, एल्केन से, किससे, एल्केन से। जब एल्केन का क्लोरीनेशन प्रकाश की उपस्थिति में किया जाता है, क्या किया जाता है, एल्केन का क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन या आयोडिनेशन प्रकाश की उपस्थिति में किया जाता है, तो आपको विभिन्न एल्किल हैलाइडों का क्या होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। अर्थात ये जो अभिक्रिया है
ये एल्किल शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की विधि नहीं है। अर्थात क्या होता था, उनसे क्या प्राप्त हुआ था, उनसे अशुद्ध हैलाइड प्राप्त हुए थे और इनको हम अभिक्रिया, ये लेबोरेटरी में इतनी उपयोगी नहीं है लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में या औद्योगिक उत्पादन के लिए उपयोगी है, क्योंकि कभी कभी वहाँ पर क्या इनको पृथक करने की, एल्किल हैलाइडों को पृथक करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हमको पृथक करना है तो आसवन विधि के द्वारा इनको क्या करते हैं, पृथक करते हैं। दूसरी यदि हम बात करें, हमने एल्किन के द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण किया था, एल्किन के द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण किया था और मैंने सबसे पहले उसमें बताई थी सममित एल्किन पर HX का योग किया जाता है, तो हाइड्रोजन कहीं पर भी जाकर जुड़े, हेलोजन कहीं पर भी जाकर जुड़े, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यदि असममित एल्किन पर कराएं, किस पर, असममित एल्किन पर HX किसका, HBr का योग या HCl का योग या HI का योग, तो आपको ध्यान रखना है कि जो योग होगा वो मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार होता है। आपको ध्यान क्या रखना है, मार्कोनिकोफ नियम में H धनावेश है, वहाँ जाकर जुड़ेगा जहाँ अपनी प्रजाति ज़्यादा हो, अपनी प्रजाति ज़्यादा हो अर्थात हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। जबकि हेलोजन एक्स कहाँ जाकर जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या हो, कम हो। इसे कहते हैं मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार प्रोडक्ट का बनना। दूसरी यदि हम बात करें, क्या आपको मैंने बताया था HBr एंटी मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार योग करता है, किसकी उपस्थिति में, परोक्साइड की उपस्थिति में। ध्यान रखना केवल HBr परोक्साइड की उपस्थिति में एंटी मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार उत्पाद का निर्माण करता है, जबकि HCl और HI यदि HCl और HI अभिक्रिया में दे दिया जाए और साथ में परोक्साइड भी दे दिया जाए तो वो मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार ही क्या होगा, योग होगा। मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार ही क्या होगा, योग होगा। एंटी मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार HCl और HI का योग नहीं होता है, क्यों, आपको पता है HCl के मध्य बंध सामर्थ्य प्रबल होती है जो आसानी से बंध, इसलिए आसानी से बंध नहीं टूट पाता है। जबकि HI की यदि हम बात करें तो HI दुर्बल बॉन्ड होता है लेकिन यह अभिक्रिया उच्च ऊष्मा छिपी अभिक्रिया होती है, या मैं बोल दूं इस अभिक्रिया के दौरान अधिक मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है जिससे विस्फोट होने की संभावना अधिक रहती है। हमारे को विस्फोट कराना नहीं है इसलिए यह अभिक्रिया संपन्न नहीं करा सकते। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।